नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आप लोगों के अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लोग इस क्लास में यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2019 का जो पेपर है, ये पेपर आपका 27 जनवरी 2019 को शिफ्ट एक में हुआ था, और इस पेपर में आए हुए जितने भी क्वेश्चन होंगे, मैथ के, रीजनिंग के, जीके के, हिंदी के, वो सारे क्वेश्चन आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर ये क्लास आपको इम्पोर्टेंट लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और क्लास को मिलकर शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। जय BSA, जय BSA क्लास। और करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की शुरुआत। भारतीय मुक्केबाजी MC मैरीकॉम के द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक बताइए। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे भारतीय मुक्केबाज MC मैरीकॉम के द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या था, टाइटल क्या था, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, अनब्रेकेबल। तो जिनका भी आंसर आ रहा है अनब्रेकेबल, बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों। 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता? 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, बाहुबली द कंक्लूजन। तो 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बाहुबली 2 द कंक्लूजन फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता है। दोस्तों, अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए 2018 का नोबेल प्राइज विलियम डी नॉल्डहाउस, पॉल एम रोमर को दिया गया था, ये दोनों कहां के निवासी हैं? हाँ, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, संयुक्त अरब अमेरिका। तो बिल्कुल दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, आपका सही जवाब होगा अमेरिका। निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता का नाम, पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है, मेलवेयर, ट्रोजन, हैकिंग या फिर फिशिंग। तो इसको बोलते हैं फिशिंग। तो फिशिंग में दोस्तों क्या होता है, ये आपके निजी तौर पर जो भी जरूरी जानकारी होती है, जैसे कि कार्ड नंबर हो गया, पासवर्ड हो गया, यूजर नेम हो गया, ठीक है ना, क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया, तो ये सब कुछ आपका इस तरीके से जो धोखाधड़ी होती है, फिशिंग। फिशिंग एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक संचार में एक भरोसेमंद इकाई के रूप में प्रछत्र उपयोगकर्ता के नाम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि की संवेदनशील जानकारी धोखाधड़ी से प्राप्त करने का एक प्रयास है, जिसको बोलते हैं फिशिंग। अगला सवाल देखिए दोस्तों, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात ये भारत के किस राज्य में स्थित है? हमारा सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर। वेनेजुएला देश की राजधानी बताइए। दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो वेनेजुएला देश की राजधानी है कराकस। क्या है? वेनेजुएला देश की राजधानी है कराकस। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। हमारा आज का अगला सवाल क्या है, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? बात अगर करें भारत के, तो भारत में आखिरकार भाई किस रेडियोधर्मी धातु का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब हो जाएगा थोरियम। जी हाँ दोस्तों, थोरियम की अगर हम बात करें, ये एक रेडियोधर्मी धातु है जिसका भंडार भारत में जो है सबसे विशाल है। तो आपका सही जवाब होगा थोरियम। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र जो आपका द्वीपीय राज्य है, ये है आपका तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि के दक्षिण में करीब 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक द्वीपीय प्रदेश तस्मानिया है, जिसे बॉस स्ट्रेट्स, दोस्तों जिसे दोस्तों क्या कहते हैं हम लोग यहां से, बॉस स्ट्रेट के द्वारा अलग किया गया है,
और यह विश्व में 26वां, यह विश्व में 26वां सबसे बड़ा द्वीप है। और अगर हम बात करें इसकी राजधानी की, तो दोस्तों क्या आप जानते हैं तस्मानिया की राजधानी क्या है? होबाल्ट। तस्मानिया की दोस्तों जो राजधानी है वो आपकी होबाल्ट है। तो ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम तस्मानिया है, ठीक ना, जिसे बास स्ट्रेट द्वारा अलग किया गया है। ये 26वां सबसे बड़ा द्वीप है और इसकी राजधानी होबाल्ट है, ठीक है। चलिए अगला सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? नवसारी। तो जिनका भी आंसर आ रहा है नवसारी, बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल दोस्तों क्या है, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी की अगर हम बात करेंगे तो इनके कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह जी, ठीक है। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब होगा ज्ञानी जैल सिंह जी। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ावा दिया? हर्षवर्धन, अनिरुद्ध, बिंदुसार या फिर आपका हो जाएगा यहां पर वासुदेव। तो चलिए दोस्तों आप लोग बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के सही जवाब की, तो प्यारे साथियों आप लोगों का यहां पर जो सही जवाब है वो है आपका बिंदुसार, ठीक है ना। तो जिनका भी आंसर बिंदुसार आ रहा है बिल्कुल राइट होगा, हमारा सही जवाब होगा बिंदुसार। अगला सवाल देखिए दोस्तों, दोस्तों मेखला चादर यह जो है किस राज्य की महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक वस्त्र यानी कि पोशाक है? तो भाई आपका आंसर हो जाएगा असम, ठीक है। तो जिस किसी का भी आंसर असम आ रहा है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा है? चाइना, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, देखिए टैगोर साहब की बात करें तो इन्होंने भारत के साथ साथ बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला है और इसे इन्होंने 1906 में लिखा था, ठीक है, अमार सोनार बांग्ला। वर्गीज कुरियन को किसके द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा श्रीमान लाल बहादुर शास्त्री जी। तो शास्त्री जी के द्वारा वर्गीज कुरियन को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि NDDB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे तो हमारे संविधान में 465 करीब आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और हमारे संविधान में कुल मिलाकर अब तक 25 भाग हैं। तो हमारा सही जवाब होगा 25। मुगल सम्राट जहांगीर ने दोस्तों शालीमार बाग का निर्माण किया था कहां पर? तो शालीमार जो गार्डन है, शालीमार गार्डन ये कश्मीर में है। शालीमार गार्डन कहां पर है आपका? कश्मीर में है। वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव ये कहां पर आयोजित किया जाता है? तो भारत जो वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह है जिसका नाम आपको दे रखा है सवाई गंधर्व भीमसेन, ये जो है दोस्तों आपका कहां पर आयोजित किया गया? तो जिनका भी आंसर आ रहा है पुणे, बिल्कुल राइट है। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? पुणे होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो कौन पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा इलाहाबाद बैंक, ठीक है। वैदिक सभ्यता जो है किस नदी के तट पर विकसित हुई है? दोस्तों वैदिक सभ्यता की बात करेंगे तो वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई है? तो हमारा सही जवाब होगा सरस्वती नदी। दोस्तों क्या आप जानते हैं जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस
अंतरराष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी। तो जुलाई 1944 की बात है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? तो भाई यहां पर आपका सही जवाब होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ की कल्पना की गई थी, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नजर रखने का काम करती है। तो ऐसे में आप लोग का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा इसका, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। तो ये तो अभी तक जीके के क्वेश्चन थे। जीके के बाद दोस्तों अगर हम आते हैं मैथ पर, तो मैथ में किस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? देखिए, अब ए ने 75,000 रुपए के साथ एक कारोबार शुरू किया और बी कुछ टाइम के बाद 37,500 रुपए के साथ उस बिजनेस में शामिल हो गया। यदि साल के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ साझा किया जाता है तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ? दो लोग थे ए और बी। ए ने 75,000 रुपए लगाए 12 महीनों के लिए और बी ने 37,500 रुपए लगाए 12 - x, यानी कि इतने टाइम के बाद लगाए होंगे। जैसे अगर एक महीने बाद लगाए तो 11 महीने के लिए, क्योंकि 12 में से एक घट जाएगा, तो 11 महीने के लिए। अगर दो महीने बाद लगाए तो इस तरीके से कितने महीने के बाद लगाए हैं, तो ये आप लोगों को बताना, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आपको रेशियो दे रखा है लाभ का, तो लाभ का अनुपात दे रखा है 3:1 दे रखा है। तो प्यारे साथियों आपको x का मान ज्ञात करना है, तो 1, 2 से 1, 2 0 काट दिया, ठीक है ना। 25 × 3 = 75, 0 का 0, 25 × 1 = 25, 12 बचेगा, 25 × 5 = 125, 15 × 2 = 30 और 3 × 4 = 12, 4 × 2 = 8, 8 × 1 = 8 इधर जाएगा, 12 - x इधर जाएगा, तो 12 - x = 8, x बराबर 12 में से 8 जाएगा, बचेगा 4। इसका मतलब दोस्तों आप समझे कि बी ने कितने महीने के बाद रुपए को इन्वेस्ट किया था, तो बी इस बिजनेस में 4 महीने के बाद आता है और 37,500 रुपए लगाकर शामिल हो जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा? 4 महीना होगा इसका, बिल्कुल सही जवाब। अब एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए। अगर किसी भी विद्यार्थी के अंक 68 की जगह पर 88 दर्ज किए जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? एवरेज में 0.5 की वृद्धि हो रही है। तो क्लास में छात्रों की संख्या, अब एवरेज में वृद्धि हो रही है 0.5, टोटल एक्स लोग हैं। मैंने मान लिया कि क्लास में छात्रों की संख्या एक्स है, एक्स लोगों में 0.5 की वृद्धि हो रही है एवरेज में, तो टोटल ये वृद्धि कैसे हो रही है? 68 को जब 88 लिख रहे हैं, मतलब दोस्तों जब उस बच्चे के 20 अंकों को बढ़ा रहे हैं, 68 से 88 यानी कि 20 अंकों को बढ़ा रहे हैं, तो एवरेज में 0.5 की वृद्धि हो रही है। हमें एक्स का मान ज्ञात करना है क्योंकि एक्स है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो एक्स बराबर 20/0.5, पॉइंट डाया, 0 बढ़ाया, 5 × 20, 0 का 0, तो हमारा सही जवाब क्या होगा? 40, यानी कि क्लास में छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो इस तरीके से क्लास में छात्रों की जो संख्या हो जाएगी ये होगी आपकी 40, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए आपका बी से 2 गुना कुशल है, बी आपका सी से 3 गुना कुशल है। यदि अकेले सी कोई काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? देखिए, तो ए बी और सी, बी सी से 3 गुना कुशल, अगर सी की क्षमता 1 है तो बी सी से कितना? 3 गुना कुशल है, और ए बी से 2 गुना कुशल है, ए बी से 2 गुना कुशल है, तो यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी। हम लोगों ने क्या किया, इस तरीके से तीनों की क्षमता निकाल ली। अब देखिए, अकेले सी कोई काम 30 दिन में कर सकता है, सी करता है 30 दिन में, सी की क्षमता 1 है, तो ये क्या निकाल लिया? टोटल वर्क, तो टोटल काम 30 है। अब इसको करना किसको है? साथ में मिलकर उस काम को करना है, तो कितने दिन लग जाएंगे? अगर तीनों लोग मिल जाए 6, 3, 9 और 1, 10, तो 1 दिन में 10 काम करेंगे,
तो 30 काम को करने में इन लोगों को कितना समय लगेगा? 10 तिया 30, 10 तिया 30, तो 3 एकम 3। यानी कि दोस्तों अगर सब लोग मिलकर इस काम को करेंगे तो मात्र 3 दिन का समय लगेगा। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? 3, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3। अब देखिए, एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी को तय करता है। तो पहले तो हम लोग दोस्तों निकालेंगे दूरी कितनी है। तो दूरी आ जाएगी दोस्तों 250 किलोमीटर प्रति घंटा 4 घंटे में तय करता है। तो ये तो दूरी हो गई। अब इस दूरी को 1 घंटे 40 मिनट में तय करना है। अब इस दूरी को कितने समय में तय करना है? 1 घंटा 40 मिनट। 40 मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, 0 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दो 5 बटे 3। तो इस दूरी को 5 बटे 3 घंटे में पूरा करने के लिए उसकी गति क्या होगी? तो गति बराबर आपका हो जाएगा दूरी बटे समय। दूरी है 250 × 4, समय दे रखा है 5, ये बटा 3 है, ये 3 आपका ऊपर जाएगा, तो 3 हमारा ऊपर आ गया मल्टीप्लाई में, 5 25 50 आ गया, 4 3 12 और 12 5 7। तो इस तरीके से उस दूरी को, यानी 250 चौक जो आपका 25 चौक आपका 100 आएगा 1000, तो 1000 किलोमीटर की दूरी को तय करने में, 1 घंटे 40 मिनट में तय करने में उसकी चाल करीब होनी चाहिए 600 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका यहां पर सही जवाब क्या होगा? तो भाई जिनका भी आंसर आ रहा है 600 किलोमीटर प्रति घंटा, बिल्कुल राइट है, हमारा सही जवाब हो जाएगा 600। दोस्तों यदि एक बस किसी भी स्थान पर ना रुके तो वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर की जो है दूरी तय कर पाती है। यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो 1 घंटे में 36 किलोमीटर तक तय कर पाती है। तो 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है? तो हमें निकाला रुकती कितना। तो भाई अगर वो ना रुके तो 45 किलोमीटर दूरी तय कर पाती है 1 घंटे में, और अगर वो रुकती है तो 36 किलोमीटर दूरी तय कर पाती है। तो 45 − 36 बटे आपका 45, अगर ना रुके तो 45। तो ये आप लोगों का जो चल रहा है घंटे में चल रहा है, हमें आंसर बताना है कितने मिनट में। तो ये आंसर घंटे में आएगा, मिनट बदले मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिनट में आ जाएगा। 45 में 36 गया 9, बटे 45 × 60, 9 5 45, 5 × 5 = 10। यानी कि बस जो है आपका हर घंटे में, 1 घंटे में बस 12 मिनट के लिए रुकती है। ठीक है, हाँ, तो बिल्कुल आप लोगों का जवाब सही आ रहा है। जो बस है आपकी ये 1 घंटे में 12 मिनट के लिए रुकती है। चलिए अब दोस्तों आते हैं हम लोग एक तरीके से रीजनिंग पर। रीजनिंग में दोस्तों कुछ सवाल हैं जो मैं आपको आज बताऊंगा कि जो रीजनिंग उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, एक है, 1 की पावर 1 = 1, 2 की पावर 2 = 4, 3 की पावर 3 = 27, 4 की पावर 4 = 256, और 5 की पावर 5 = कितना होगा? हाँ, तो ये होगा 3125। ठीक है, तो हमारा सही जवाब क्या होगा? 3125। ठीक है, तो 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5। बिल्कुल इस तरीके से आपको करना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो बस पढ़ते रहिए और देखते रहिए बीएसए ट्रिकी क्लासेस को, क्योंकि इसी तरीके से आता है पेपर जिस तरीके से हम आज आप लोगों को बता रहे हैं। 11 121, 1331, 14 641, अगला स्टेप क्या होगा? चलिए आप सभी लोग बताइए। अब देखिए आप लोग, 11 की पावर 1 ग्यारह, 11 की पावर 2 121, 11 की पावर 3 1331, तो 11 की पावर 4 14 641, तो 11 की पावर 5 बराबर आपका क्या हो जाएगा? 161।
05 पर। तो 11 की पावर 5 बराबर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा 161051। तो यानी कि दोस्तों अगर हम इस सवाल की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने आपको क्या दिया गया है। देखिए जी एच आई जे के एल एम एन ओ, तो इसके जैसा लॉजिक नीचे दिए गए विकल्पों में किसमें दे रखा है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ। तो भाई पहला ही वाला ऑप्शन चेक किया तो बिल्कुल राइट निकला, एक्स जेड बी डी एफ में भी जो लॉजिक है प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू का है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि दिए गए सवाल में जो तर्क है वही तर्क आपका ऑप्शन नंबर ए में फॉलो हो रहा है। अब देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, तो पहले क्यू आ जाएगा क्योंकि चार स्टेप आगे बढ़, फिर दोस्तों एक का स्क्वायर, ये दो का स्क्वायर, ये तीन का स्क्वायर, तो यहां पर चार का स्क्वायर कितना आ जाएगा, सॉरी ये चार का स्क्वायर 16, तो यहां पर आपका आ जाएगा पांच का स्क्वायर, तो पांच का स्क्वायर 25। अब सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, अब पांच स्टेप आगे बढ़ना है आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू, तो हमारा सही जवाब होगा क्यू 25 डब्ल्यू। तो दोस्तों अगर हम इस तरीके से क्वेश्चन को लगाएंगे तो हमारा सही जवाब होगा क्यू 25 डब्ल्यू। अब देखिए इन विकल्पों में कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा, ए एफ के, अगला स्टेप क्या होगा, फिर आपको दे रखा है यू, उसके बाद क्या आएगा, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, पी के बाद क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। बात समझ में आ रही है, तो इस तरीके से हमने लॉजिक को फॉलो किया। लॉजिक क्या है दोस्तों, प्लस पांच प्लस पांच प्लस पांच प्लस पांच और प्लस पांच, तो प्लस पांच लॉजिक को फॉलो किया तो हमारा राइट आंसर क्या मिला हमें, पी और जेड। ठीक है, तो जिनका भी आंसर आ रहा है आपका पी और जेड बिल्कुल सही होगा, वेरी गुड। अब देखिए आपका अगला सवाल क्या है दोस्तों, दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है तो दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प को चुनिए जो इस श्रेणी को कंप्लीट करे। तो भाई यहां पर आप लोगों का सही जवाब देखिए ट्रेन, अब ये आई एन से खत्म हो रहा है, यहां आई एन से शुरू हो रहा है, इधर वी ई से खत्म हो रहा है, इधर वी ई से शुरू हो रहा है, इधर आर ई से खत्म हो रहा है, आर ई से शुरू हो रहा है, तो इधर जी ई से खत्म हो रहा है, तो अगला स्टेप जी ई से शुरू हो रहा है पहला वाला, ये गलत ये गलत ये गलत। ठीक है, तो आप लोगों का यहां से सही जवाब क्या होगा, जेंडर। ठीक है, तो जिनका भी आंसर जेंडर आ रहा है बिल्कुल राइट होगा प्यारे साथियों, सही जवाब होगा हमारा जेंडर। अब आपको एक सीरीज दे रखी है, इस सीरीज का अगला पद कौन सा होगा निकालना है, तो माइनस का 4.5, फिर माइनस का 2.6, माइनस का 0.7, फिर क्या आएगा बताना है, फिर इसके बाद दोस्तों आपका क्या आ रहा है 3.1 आ रहा है। तो भाई 4.5 से माइनस का 2.6 तक पहुंचने के लिए हम लोग दोस्तों क्या कर रहे हैं, कितना ऐड कर दिया, क्योंकि 4.5 है आपका, इसमें कितना ऐड कर दें, अगर आप देखिए दोस्तों 1.9 इसमें ऐड करके देखिए, इसमें आप सभी लोग दोस्तों क्या है 1.9 को ऐड करके देखिए, हो सकता हो आप लोगों का अगला टर्म आपको मिल जाए। तो चलिए ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि भाई यहां से आप लोगों का सही जवाब क्या होगा, प्रयास करें और जवाब दें। तो मैं देख भी पा रहा हूं भाई बाकी लोगों के जवाब आ रहे हैं कमेंट करके, तो जिन लोगों ने कमेंट कर दिए हैं बहुत बढ़िया, आप सब लोग काफी अच्छा प्रयास कर रहे हैं और आप लोगों का जो प्रयास है काफी सराहनीय भी है। तो बस इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, लगे रहिए, डटे रहिए, अड़े रहिए,
तो दोस्तों अब देखिए मैं आपको बताता हूँ लॉजिक क्या है। मैंने पहले ही बोल 1.9 ऐड करेंगे तो 2.6, यहाँ पर 1.9 ऐड करेंगे 0.7, अब 0.7 माइनस का इसमें 1.9 को ऐड करेंगे तो 9 में से 7 जाएगा तो बचेगा 2, तो 1.2 आ जाएगा। और इसमें आप लोग फिर से 1.9 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 9, 2, 11, 1, 1, 2 और 1, 3, तो जिनका भी आंसर आ रहा है 1.2। तो प्यारे साथियों हमारा सही जवाब क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा जो आएगा वो आ जाएगा 1.2। तो भाई जिनका भी आंसर आ रहा है 1.2 आ रहा है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा दोस्तों और देखते हैं भाई आपका जो पेपर उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आता है। स्लॉप का कोड है, फैट का कोड है, तो लॉफ्ट का कोड निकालना है LOFT। अब L की वैल्यू है 3, O की वैल्यू है 7, F की वैल्यू है 2 और T की वैल्यू है 8, 37, 28। यानी कि दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से भी सवाल आपके पेपर में आता है, और कोडिंग डिकोडिंग से किस तरीके से क्वेश्चन आता है वो आप देख सकते हैं। तो आप लोगों का सही जवाब क्या हो जाएगा, 37, 28 होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं आपके एग्जाम में हिंदी का पेपर जो रहता है उसमें किस तरीके से क्वेश्चन रहते हैं इसको देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में आपको 4 विकल्प दिए गए, क्रिया का सही रूप वाला विकल्प चुनिए। स्कूल बस 5 मिनट आना जो क्रिया है इसका सामान्य भविष्य काल बताइए। स्कूल बस 5 मिनट में आ गई, देखिए भविष्य है तो आएगी, स्कूल बस 5 मिनट में आएगी तो ये कैसा है, सामान्य भविष्य काल है। तो हमारा भाई जो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगा यहां से हमारा जो सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मैं आएगी। अब दोस्तों अगला सवाल, रवि दीवार रंगने लगा है, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। तो रवि दीवार रंगने वाला है, तो इसमें कौन सा भेद है वाक्य का, नाम धातु। तो ये एक देखिए रंगने वाला है, रंगने लगा है, तो रंगने लगा है ये एक संयुक्त क्रिया है। तो भाई ध्यान से मेरी बात को समझते रहेगा, रंगने लगा तो दीवार रंगने लगा इसमें संयुक्त क्रिया है। जो देखिए क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे हम लोग संयुक्त क्रिया बोलते हैं। तो नाम धातु ना होकर क्या हो जाएगा, ये संयुक्त क्रिया होगी, रंगने लगा। अगला सवाल, चुटिया, चुटिया शब्द का आपको बहुवचन बताना है। तो चुटिया का होगा चुटिया, जैसे चिड़िया तो चिड़िया का चिड़िया, तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। कृपण, कृपण का वर्ण विच्छेद कीजिए। कृपण तो दोस्तों देखिए का, और का में भी आपका हलंत लगेगा क्योंकि ये आधा का, फिर आपका देखिए री क्योंकि नीचे री की पाई लगी है, फिर पा, फिर ये आ मिलकर पा बनेगा, फिर आपका अड़ा और आ मिलकर अड़ा बनेगा। तो आपका सही जवाब होगा कृपण का सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद है ऑप्शन डी में, तो आपका सही जवाब होगा डी वाला। 4 विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला पहचानी कृष्ण, भाई कृष्ण कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो जिनका भी आंसर कृष्ण आ रहा है बिल्कुल राइट है। अगला दोस्तों जो सवाल है बहुत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित प्रश्न में आपको 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विकल्प वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। कि इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो प्यारे साथियों विशेषण शब्द की विशेषता बता रहा है, तो विशेषण है ऊंचे ऊंचे और इसकी विशेषता बता रहा है बहुत, तो बहुत शब्द आप लोगों का दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपका हमारा आंसर में आ जाएगा। तो बहुत शब्द है प्राविशेषण, ये विशेषण की विशेषता बता रहा है, ये प्राविशेषण है बहुत, तो आपका सही जवाब होगा बहुत। निम्नलिखित प्रश्न में आपको बताना है भाई 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। दोस्तों सर्वनाम का
शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अगर हम बात करें आपसे सर्वनाम के शाब्दिक अर्थ की, तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सबका नाम। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल दोस्तों, इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्ति बोध जी के द्वारा रचित रचना नहीं है? तो अगर हम बात करें गजानन माधव मुक्ति बोध जी के द्वारा रचित रचना नहीं है, तो आपका सही जवाब होगा अंधा युग। ठीक है, तो हमारा सही जवाब क्या होगा? अंधा युग होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। सिंपल सी बात है आपकी, चंद्र वरदाई। आपका सही जवाब क्या होगा? इसके लेखक चंद्र वरदाई हैं। तो आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द दुविधा। अब दुविधा का मतलब क्या है? दुविधा का मतलब होता है धर्म संकट। दुविधा का मतलब क्या होता है? धर्म संकट होता है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? धर्म संकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का सही समान वाला शब्द है। तो पत्थर, अब पत्थर का पहले बोलते ना पाषाण, तो पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। तो हमारा सही जवाब होगा पाषाण। चार विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। पुनर्जन्म, कुधर्म, आजीवन, दीखावा। तो भाई किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है बताइए। देखिए दोस्तों, इसमें लगा है पुनः, पुनः प्लस जन्म पुनर्जन्म, इसमें कु लगा, इसमें आ लगा, लेकिन दिखावा में आपका प्रत्यय आवा लगा, दिख प्लस आवा दिखावा। तो दिखावा शब्द में आपका उपसर्ग नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। दोस्तों निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रत्यय से बना है। इंसान, मदद, जादूगर, समझ। तो दोस्तों जादू एक शब्द है, ध्यान दीजिएगा, जादू एक शब्द है। जो जादूगर शब्द है ये प्रत्यय से बना हुआ है, क्योंकि इसमें आप लोगों का तद्धित जो उर्दू उपसर्ग वो आपका गर है, इसको जोड़कर जादू शब्द के साथ जोड़ा गया है। और जादूगर, जादू वाला, तो जादूगर, ये जो गर लगा हुआ है ये आपका प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, वेरी गुड। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। स्वार्थ, स्वार्थ का विपरीत यानी कि उल्टा, तो स्वार्थ का हो जाएगा निस्वार्थ। स्वार्थ का उल्टा क्या होगा? स्वार्थ का उल्टा हो जाएगा आपका निस्वार्थ होगा। तो प्यारे साथियों आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट में दोस्तों एक बात कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प आपको दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उचित सामासिक युग्म पद है, आचार। तो भाई आचार क्या है? तो इसका आपको उचित सामासिक युग्म पद निकालना, खाने की वस्तु, चाल चलन, अनादर। तो आचार और विचार, आचार विचार, ये एक सामासिक युग्म पद है, आचार विचार। ठीक है, हाँ, तो जिनका भी आंसर आ रहा है बी बिल्कुल राइट है, वेरी गुड। तो ये था आज का एक काफी इंपॉर्टेंट पेपर, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। और करंट अफेयर के लिए आप सभी लोग बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज से पढ़े। आज मैंने आपको सेट नंबर ये बी था, इसका ए वाला मैंने पहले करा दिया था। तो 27 जनवरी 2019 का शिफ्ट ए का पेपर डिस्कस किया, तो काफी अच्छा पेपर था, आपको भी बहुत मजा आया होगा। तो कैसा लगा आज का पेपर पढ़कर, जिसमें मैंने जीके के क्वेश्चन बताए, मैथ बताई, रीजनिंग बताई, हिंदी बताई? आप मुझे बताएगा कि आपको कौन सा पोर्शन सबसे ज्यादा टफ लगा और इसमें कौन से क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा आसान लगे, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा।
आज की क्लास आपके साथ कैसे लगी ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। तो अब हम मिलेंगे आप लोगों से आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय बीएसए, जय बीएसए क्लास, और आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।